अब आपको हथियार वाले गुंडे की कहानी दिखाते हैं। देखिए पिस्टल वाला गुंडा और ये दूसरी तस्वीर में पुलिस की हिरासत में। दिल्ली के फाइव स्टार होटल में पिस्टल लहराकर लड़की को धमकाने वाले आशीष पांडे नाम के आरोपी की सारी हेकड़ी निकल गई है। आज सुबह उसने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अक्टूबर को दिल्ली के फाइव स्टार होटल में अकड़ में बंदूक लहराने वाला अब सलाखों के पीछे है। पुलिस केस दर्ज होने के बाद दो दिनों तक भगोड़ा रहा आशीष पांडे आज भीगी बिल्ली बना नजर आया। पांच दिन पहले लड़की पर पिस्तौल तानकर खुद को हीरो समझ रहे आशीष पांडे ने आज सरेंडर से पहले एक वीडियो जारी किया, लेकिन हनक देखिए, घटना पर माफी मांगने की जगह खुद को पीड़ित बताने लगा। मीडिया ट्रायल मेरे ऊपर जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और ऐसा मुझे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ और वांटेड हूँ, और पूरे देश की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। जिसे कैमरे पर पूरी दुनिया ने देखा, उसे ही आशीष पांडे सच मानने को तैयार नहीं। गलती मानने की बजाय आशीष पांडे सीसीटीवी फुटेज से सच सामने लाने की गुहार लगा रहा है। अगर इसको पता लगाया जाए कि उस दिन रात को क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए, ये देखा जाए कि लेडीज टॉयलेट में कौन घुसा हुआ था, वहां से बाहर निकल के किसने किसको धमकी दी थी। कार से विदेशी पिस्टल निकाल कर लहराने वाला आशीष पांडे खुद को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में उन बातों को भी गलत ठहराने लगा जो बातें कैमरे में कैद हो चुकी थी। कि मैं गाड़ी से सुरक्षार्थ अपना लाइसेंस वेपन लेके गाड़ी से निकला था, मैंने ना उसको दिखाया है ना उसके ऊपर ताना है। आप लोग मुझको बोल रहे हैं कि मैंने उस लड़की से अभद्रता की, उसको पिस्टल दिखाई, उसको धमकी दी, मैंने उस लड़की को एड्रेस तक नहीं किया, मैंने उससे बात नहीं की। दो दिनों तक दिल्ली और यूपी की पुलिस आरोपी आशीष पांडे की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी करती रही और वो यूपी में अलग अलग ठिकानों पर छिपता रहा, लेकिन आशीष ने खुद पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस आशीष पांडे को एक दिन की पुलिस रिमांड पे लेने के बाद वसंत विहार के इसी स्पेशल स्टाफ और एएटीएस के ऑफिस पर पहुंची है। एक दिन के अंदर पुलिस को बयान है वो फिलहाल अभी दर्ज करने हैं, तो एक लंबी सवालों की फहरिस्त तैयार की। आशीष पांडे ने 13 अक्टूबर को गौरव और उसकी महिला मित्र पर पिस्टल तान दी थी। पुलिस के मुताबिक गौरव की महिला दोस्त की तबीयत वॉशरूम में बिगड़ गई थी, जिसे देखने के लिए गौरव भीतर गया, जहां आशीष की तीन महिला दोस्तों ने विरोध किया। आरोप है ये झगड़ा वॉशरूम के बाहर और फिर होटल के बाहर सड़क पर भी हो रहा था, जहां आशीष पांडे ने कार से पिस्टल निकाल कर तान दी। झगड़े का मेन कारण जो है वो शुरू से जो टॉयलेट के यूज को लेके जो झगड़ा रहा है वही है। हथियार इसका लाइसेंस सीज किया जाएगा, और इसके अलावा जो गाड़ी क्राइम ऑफेंस में यूज हुई है वो गाड़ी सीज की जाएगी। होटल में पिस्टल लहराने वाला आशीष पांडे पूर्व बीएसपी सांसद राकेश पांडे का बेटा है और बाहुबली नेता पवन पांडे का भतीजा, लेकिन दो दिन में ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।